आग बरसाती धूप में स्कूलों के बच्चे बेहाल। स्कूलों के औकाते का तब्दील, आज से शहर भर के सरकारी स्कूल सुबह 7 बजे लगेंगे। पहली से आठवीं जमात को दिन 11:30 बजे छुट्टी होगी। स्कूलों में 9वीं और 10वीं क्लास को दोपहर 12 बजे छुट्टी होगी। चिलचिलाती धूप के बायस मंगल के रोज गवर्नमेंट जूनियर मॉडल स्कूल के 2 तलबा की हालत गैर होने पर यह फैसला किया गया। कोरोना के बाद डेंगू सर उठाने लगा। बरसात से पहले ही डेंगू मच्छर ने हमले तेज कर दिए। शहर में डेंगू बुखार के मजीद 2 नए मरीजों की तस्दीक। डिफेंस के रिहायशी 50 साल तारिक और 55 साल मेहदी हसन डेंगू से मुतासर। तिबी माहिरीन ने सख्त गर्मी में डेंगू केसेस को सख्त खतरे की अलामत करार दे दिया। कोरोना वैक्सीन पर क्रेडिट लेने का मामला, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ सारा असलम का गुस्सा ठंडा ना हुआ। जिले इंतजामिया को वैक्सीन फराहम करने की पादाश में डायरेक्टर ईपीआई को हटा दिया गया। डॉक्टर राणा सुहेल की जगह डॉक्टर शकील अहमद गौंदर को चार्ज सौंप दिया गया। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ का तमाम कमिश्नर्स और डेप्टी कमिश्नर्स को भी मरासला। कोरोना वैक्सीन सेंटर बनाने के लिए पेशगी इजाजत लेना होगी। डेढ़ अरब की कोरोना वैक्सीन कब पाकिस्तान आएगी? कम बोली देने वाली कंपनी जेएम फार्मा ने वैक्सीन की फौरी दरामद से हाथ उठा लिए। टाइम फ्रेम ना मिलने पर वैक्सीनेशन ऑपरेशन को खदशात का सामना। रवा माह वैक्सीन लाने के लिए महंगी बिड देने वाली कंपनी एमएस वेट्रॉन की खिदमात लेने पर गौर। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर वैरानी के ढेरे। गुलबर्ग, शादमान, शुमाली लाहौर समेत मुतअद्दिद इलाकों में चीनी और आटे के रैक्स खाली। घी की भी किल्लत, महंगाई के सताए शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। बिजली इस्तेमाल करें एहतियात के साथ, क्योंकि अब लाहौरियों को पूरा बिल अदा करना होगा। लेस्को ने बिलों की अकसात की सहूलत वापस ले ली। माली साल का रेवेन्यू टारगेट पूरा करने के लिए अकसात की सहूलत वापस ली गई। पंजाब हुकूमत ने पानी का ज़िया रोकने के लिए कमर कस ली। वाटर एक्ट के निपास के लिए लाहौर और सूबे भर में सर्वे कराने का फैसला। लाहौर में वाटर एक्ट के तहत बकायदा इदारा भी बनाया जाएगा। सर्वे और फिजिबिलिटी पर 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब हुकूमत का नए माली साल में भी गैर मुल्की इमदाद पर इन्हिसार। फलाही मंसूबों के लिए गैर मुल्की इदारों से 60 अरब रुपए कर्ज लेने का फैसला। ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, माहौल की बेहतरी, तालीम के फरोग और आपाशी के मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर पार्किंग कंपनी की 5 मेगा पार्किंग साइट्स की असर नौ इवेल्युएशन का फैसला। लिबर्टी मार्केट, ड्रीम ब्लॉक, मॉल रोड, इचरा से हासिल रेवेन्यू को 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। लाहौर पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में मंजूरी। रुबीना नजर सुलहरी को लाहौर पार्किंग कंपनी का चेयरपर्सन मुंतखब कर लिया गया। शहर को खूबसूरत बनाते बनाते पीएचए की अपनी हालत पतली हो गई। अफसरान माला माल, अथॉरिटी की कश्ती खसारे में डूबने लगी। 800 पार्क्स की तजीनो आरायश और 2500 किनार पर मुहित ग्रीन बेल्ट की देखभाल का फंड खत्म हो गया। तनख्वाहों और ऑपरेशन के मामला चलाने के लिए 4 अरब 40 करोड़ का बजट मांग लिया गया। रेलवे हुकाम ताहाल रेल हादसे की वजूहात का तायुन न कर सके। ज्वाइंट सर्टिफिकेट में पटरी टूटने को हादसे की वजह करार दिया गया। परमानेंट वे इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसा बोगियों को जोड़ने वाले क्लंप के टूटने से पेश आया। वजूहात के तायुन के लिए 3 AGM पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील। उधर कराची ता लाहौर डाउन ट्रैक 24 घंटों बाद बहाल कर दिया गया। ट्रांसमिशन लाइन के नीचे गैर कानूनी तामीरात से बिजली सप्लाई में मसायल। सख्त गर्मी के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आनिया जानिया मामूल। 132 KV लाइन के नीचे गैर कानूनी तामीर, तीसरी मंजिल की मिसमारी के लिए ऑपरेशन। जानी और माली नुकसान से बचने के लिए 3 ग्रिड से सप्लाई आरजी मुअत्तल रही। चीनी महंगी से मजीद महंगी हो गई। शुगर माफिया का तायुन ना किया जा सका। FIA की इंक्वायरी सुस्त रवि का शिकार। जहांगीर तरीन, शहबाज शरीफ, हमसा शहबाज समेत 28 बड़े शुगर के स्टेक होल्डर जमानतों पर हैं। उधर FBR ने 5 बड़े शुगर ब्रोकर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तैयारी कर ली। रीजनल टैक्स ऑफिस की टीम ने खुफिया ट्रांजेक्शन का दाग लगा लिया।
शुगर ब्रोकर माजिद मलिक को 1 अरब 66 करोड़ और शहजाद फैसल को 2 अरब रुपए टैक्स का नोटिस। महकमे खजाना पंजाब की करप्शन कहानी, करोड़ों के घपले, 509 मिलियन अखराजात की तफसीलात गायब, 2120 मिलियन की अदायगियां मुस्तरद, 10 अहम भर्तियों पर बेजा तनख्वाहें, वजीर आला की मर्जी के बगैर तनख्वाहें बढ़ाई गयी, ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर। नैब लाहौर का 1999 से अब तक 110 अरब रुपए रिकवर करने का दावा, विफाकी सतह पर 28 इदारों से 6 अरब 75 करोड़, सूबाई सतह पर 32 महकमों से 102 अरब 76 करोड़ की रिकवरी, प्ली बार्गेन की मद में 15.5 अरब से जायद वसूल किए गए, नैब लाहौर ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। डीआईजी ऑपरेशंस ने 4 थानों के एसएचओ तब्दील कर दिए, इंस्पेक्टर इमरान खान पुलिस लाइन से एसएचओ गालिब मां की तायुनात, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद सिद्दीक पुलिस लाइन से एसएचओ शाहदरा टाउन, सब इंस्पेक्टर शहजाद रजा शाहदरा टाउन से एसएचओ न्यू अनारकली, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शहजाद को न्यू अनारकली से एसएचओ मिसी शाह लगा दिया गया, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अफजल और इंस्पेक्टर आसिफ अता को पुलिस लाइन रिपोर्ट करने का हुक्म। साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल शहबाज सकला कत्ल केस में साबिक एसएसपी मुफखर अदील की दरख्वास्त से जमानत खारिज, मुफखर अदील ने बेदर्दी से शहबाज सकला को कत्ल किया, मुल्जिम अपने जुर्म का एतराफ भी कर चुका है, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल के हाईकोर्ट में दलाइल। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ एफबीआर का ऑडिट नोटिस मुअत्तल, हाईकोर्ट का सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन एफबीआर, ऑडिट कमिश्नर से जवाब तलब, एफबीआर 2015 के नोटिस पर 5 साल गुजरने के बाद ऑडिट का मजाज नहीं, दरख्वास्त गुजार का समात पर मौके, इस्तीफा दें या कार्रवाई का सामना करें, चीफ जस्टिस हाईकोर्ट का एसपी सदर हफीज भुक्ती के खिलाफ तौहीने अदालत कार्रवाई का इंदिया, पुलिस चौकी कब्जा केस की समात पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने रिमार्क दिए कि गलत बयानी पर मुआफी की गुंजाइश नहीं है। माजूर अफराद को बैंक अकाउंट खोलने की सहूलत, बैंक के मैनेजर्स माजूर अफराद की जहनी सेहत का तायुन करेंगे और अकाउंट खोलने के लिए मुआवनत फराहम करेंगे, स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंक्स को हिदायत कर दी। आजाद कश्मीर के इंतखाबात, पीटीआई लाहौर के रहनुमाओं ने आला कयादत पर पैसे लेकर टिकट्स फरोख्त करने का इल्जाम आयद कर दिया, आजाद कश्मीर कानून साज असेंबली के मेंबर्स और पीटीआई शुमाली के सदर गुलाम मुहियुद्दीन दीवान की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। पीटीआई वुजरा के हलकों पर महकमे खजाना की नवाजिशें, असलम इकबाल के हलके में गुशनेरावी, समनाबाद, बहादुर कॉलोनी, इकबाल टाउन, पकीटट्टी के लिए 4 करोड़ 10 लाख, मियां महमूद रशीद के हलके के लिए 3 करोड़ 70 लाख रुपए जारी। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर से स्पीकर असद कैसर की मुलाकात, दोनों शख्सियात ने अपोजिशन को पार्लियामेंट में मुस्बत किरदार का मशवरा दिया, गवर्नर पंजाब का जीसीयू का दौरा, यूनिवर्सिटी में कायम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर के इंतजामात का जायजा। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से बेगम नाहिदा की मुलाकात, सदर गुजरात बार चौधरी आसिफ महमूद, मिसबा शाहीन और दीगर की शिरकत, वफ ने चौधरी परवेज इलाही को मसाइल से आगाह किया। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेर सदारत इजलास, लाहौर की खूबसूरती और शहर को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी का जायजा लिया गया, यास्मीन राशिद से ऑरेंज लाइन ट्रेन के वफ की मुलाकात, कंपनी के 1400 मुलाजमीन की वैक्सीनेशन पर इजहार तशक्कुर, शहर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स की तादाद भी डबल करने का फैसला। वजीर आला पंजाब की मामले खसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने वासा में करप्शन का जिम्मेदार साबिक हुकूमत को करार दे दिया, फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि वासा की महाना आमदन 25 करोड़ से 60 करोड़ पर ले आए, जो हमारी गुड गवर्नेंस की आला मिसाल है। दोबारा से लोड शेडिंग हुकूमती नाअहली का सबूत है, मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज के हुकूमत पर तनकीदी निश्कर, ट्विटर पैगाम में कहा मुस्लिम लीग नून की काविशों से लोड शेडिंग खत्म हो गई थी।
अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज से ताजरों की मुलाकात। ख्वाजा इमरान नजीर, नईम मीर, शाहिद नजीर, उमर जावेद भट्ट और दीगर की शिरकत। हमजा शहबाज कहते हैं मुस्लिम लीग नून के दौर में तरक्याती मंसूबों की तकमील से कारोबारी तबके को फायदा हुआ, मौजूदा हुक्मरान ताजरों की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं कर सके। ग्वालियर पंजाब से वैक्सीनेशन ना करवाने वाले सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश कर दी। चौधरी सरवर कहते हैं लोग अफवाहों की बजाय डॉक्टर से मशवरा करें। दूसरी तरफ वैक्सीन ना लेने वाले डॉक्टर्स की छुट्टी बंद कर दी गई। पंजाब जुडिशियल एकेडमी के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का इजलास। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने बतौर चेयरमैन इजलास की सदारत की। इजलास में पंजाब जुडिशियल एकेडमी की कारकर्दगी और इंतजामी उमूर का जायजा लिया गया। साबिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पंजाब शुएब बिन अजीज के छोटे भाई नुमान बिन अजीज की नमाज जनाजा अदा। उधर साबिक चेयरमैन बदामी बाग मंडी चौधरी जहीर अहमद की नमाज जनाजा गुलबर्ग में अदा की गई। सूबाई वजीर ज़राअत हुसैन जहानिया समेत दीगर ने भी शिरकत की। और पाकिस्तान के लिए 29 साल बाद ओलंपिक मेडल जीतने का अज़्म। एथलीट अरशद नदीम ने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारियां तेज कर दी। सदर एथलेटिक्स फेडरेशन मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम साही का कहना है कि मुश्किलात के बावजूद राशिद नदीम की तैयारियों के लिए तमाम इकदाम कर रहे हैं।